नमस्कार, स्वागत है आपका द पेन डाउन में। मैं हूं डॉक्टर वैशाली जौहरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो बहुत ही जल्दी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। जी हाँ, बात आर्टिकल 370 की। ये फिल्म जो है वो कश्मीर के आतंकवाद संबंधी मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन आदित्य सुहास जांभले ने किया है और बता दें कि ये फिल्म उन सभी दर्शकों को पसंद आने वाली है जो पॉलिटिकल थ्रिलर देखने में रुचि रखते हैं। वादी से वादे तक की कहानी। आर्टिकल 370 के कलाकारों की अगर हम बात करें तो फिल्म में यामी की मुख्य भूमिका है। फिल्म में यामी NIA अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी, जिन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर कार्यवाही करने के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर भेजा जाता है और इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अपने फिल्मी करियर में यामी गौतम ने विकी डोनर, बाला और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। आर्टिकल 370 इस फिल्म में यामी के साथ अरुण गोविल, प्रियामणि, राज जुत्शी, दिव्या सेठ, किरण करमरकर जैसे और भी उम्दा अभिनेता अभिनेत्रियां नजर आएंगे। ये फिल्म सभी दर्शकों को पसंद आने वाली है। लंबे वक्त से फिल्मों के बारे में जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, वहीं यामी गौतम का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म का जोश भरा ट्रेलर देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म में कश्मीर के उस वक्त के माहौल को दिखाने की कोशिश की गई है जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद बने थे। 8 फरवरी को मोस्ट अवेटेड फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर जारी होने के बाद फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार बस खत्म ही होने वाला है क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म आर्टिकल 370 जल्दी ही सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तो हमारे जितने भी इस फिल्म के अभिनय पात्र हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आप भी कीजिए इंतज़ार इस फिल्म के रिलीज होने का और जैसे ही ये रिलीज होए तो सिनेमा घरों में देखने इस फिल्म को ज़रूर जाएं और अपने व्यूज़ हमारे माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तो पेन डाउन में इसी भी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।